हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ओरल हब। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करने वाले। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले पार्किंसन डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले। तो फ्रेंड्स, यह पार्किंसन डिसऑर्डर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सभी मेडिकल स्टूडेंट डिसऑर्डर के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये खास इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हो, आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जानना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज इसके बारे में, पार्किंसन डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से पार्किंसन डिसऑर्डर की फिजियोलॉजी क्या है, उसकी इसकी एटियोलॉजी क्या है, इसकी ड्रग ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये सभी बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की और बात करते हैं पार्किंसन डिसऑर्डर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं पार्किंसन डिसऑर्डर, इसका जो नाम है, इसका नाम पार्किंसन डिसऑर्डर ही क्यों दिया गया है ये बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसके बारे में पता लगाया था पार्किंसन के बारे में, तो फ्रेंड्स उन्हीं के नाम से इसको रिनेम किया गया है पार्किंसन डिसऑर्डर, यानी उनके सरनेम से लेकर के इसको क्या है, पार्किंसन डिसऑर्डर में एड किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इसको इसका नाम पार्किंसन रखा गया है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा डिजीज और डिसऑर्डर आपने सुना होगा। तो फ्रेंड्स, डिजीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है कि डिसऑर्डर और डिजीज में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं पार्किंसन डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है पार्किंसन डिसऑर्डर, क्या है, एक हमारे सीएनएस की डिजीज है, यानी जो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, सीएनएस होता है, इसकी एक डिजीज है। तो फ्रेंड्स, हमारे सीएनएस में देखने को मिलता है, आपको ब्रेन आता है, हमारा सीएनएस का ये पार्ट है, सबसे मेन पार्ट है हमारा ब्रेन है। छोटा सा पार्ट होता है ब्रेन में, अलग अलग पार्ट डिवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पार्ट होता है क्या, जिसको क्या होती है, जिसको सबस्टेंशन नाइग्रा बोलते हैं, जिसको सबस्टेंशन नाइग्रा बोलते हैं, ये क्या है, हमारा एक पार्ट होता है ब्रेन के अंदर। तो फ्रेंड्स, सबस्टेंशन नाइग्रा क्या होता है, यहाँ पे जो यहाँ के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सबस्टेंशन नाइग्रा जो हमारा पार्ट है, यहाँ के जो न्यूरॉन्स होते हैं, या हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन हमारी जो एक्टिविटी होती है, न्यूरॉन्स चाहिए तो ट्रांसफर होती है फ्रेंड, तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं इस एरिया के, वो क्या होते हैं, वो मरने लगते हैं, मतलब डिजनरेट होने लगते हैं, मतलब क्या, जब एक बार मर जाए तो उसको दोबारा से वो क्या हो, जनरेट नहीं हो पाते। तो क्या है, जब एक बार मर जाए तो दोबारा से जनरेट नहीं हो पाता, इसलिए उसको डिजनरेटिव बोला गया है। तो फ्रेंड, क्या है, ये डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर को बोला गया है। तो फ्रेंड, जैसे हमारे हेपेटिक सेल्स होते हैं, अगर एक बार मर जाए, खत्म हो जाए, तो क्या दोबारा से जनरेट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ देखने को नहीं मिला है, यहाँ पे क्या है, डिजनरेटिव है, ये जनरेट नहीं होते दोबारा से हमारा। तो फ्रेंड्स, क्या है, ये अब यह जो सबस्टेंशन नाइग्रा होता है, उसके जो हमारे पार्ट होता है, इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मरने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ब्लैक फॉर्म होने लगता है, ब्लैक पड़ने लगता है, काला पड़ने लगता है, तो उसको क्या होता है, उसको पार्किंसन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये होता है, तो ये क्यों होता है ये जान लेते हैं। फ्रेंड, इसका होने का कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन, आपने सुना होगा डोपामीन का नाम, आपने अक्सर सुना होगा। तो क्या, जो डोपामीन होता है उसका लेवल कम होने लगता है हमारी बॉडी में, यानी हमारी बॉडी में जब उसका लेवल कम हो जाता है, तो ब्रेन की जो सेल्स होते हैं, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो मरने लगते हैं। क्या है, जो ब्रेन के हॉर्मोन होते हैं, न्यूरॉन, ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मरने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, और जो एसिटाइलकोलिन होते हैं, जब डोपामिन का लेवल कम होने लगता है, और जो डोपामिन को कंट्रोल करता है एसिटाइलकोलिन, डोपामिन का लेवल कम होगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा, तो क्या है, ये आपको देखने, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या हो, ये इम्बेलेंस हो जाएगा यहाँ पे हमारा, किसका, डोपामिन और एसएच के बीच में, एसिटाइलकोलिन के बीच में हमारा इम्बेलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे डोपामिन, जो हमारे न्यूरॉन्स होंगे सबस्टेंशन नाइग्रा के अंदर, वो क्या होते हैं,
वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी डिजनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, मरने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन को अलग अलग एक्टिविटी अलॉट की जाती है कि हमारा ये ब्रेन है, ये वाला ब्रेन ये वाली एक्टिविटी करेगा, ये वाला पार्ट ये वाली एक्टिविटी करेगा। तो सबस्टेंशन नाइग्रा जो हमारा ब्रेन होता है, सीएनएस का जो पार्ट है, हमारा ब्रेन है, जो ब्रेन के अंदर हमारा सबस्टेंशन नाइग्रा जो पार्ट है, उसको कुछ एक्टिविटी अलॉट की गई है। जब जो हमारा डोपामिन का लेवल कम हो गया, एस्ट्रेल का लेवल बढ़ गया, तो वहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं वो मरने स्टार्ट हो गए। जब न्यूरॉन वहाँ के मरने स्टार्ट हो गए, तो जिसकी वजह से क्या होने लगता है, जो सबस्टेंशन नाइग्रा को जो एक्टिविटी अलॉट की गई है, वो एक्टिविटी अफेक्ट होने लगती है। तो फिर वो क्या, वो आपको सिम्टम्स के रूप में देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे उसके कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फिर ये बात की हमने उसकी किसकी इटियोलॉजी के बारे में बात कर ली, हमने उसकी एनाटॉमी के बारे में जान लिया है कि सबस्टेंशन नाइग्रा पार्ट होता है जो अफेक्ट होता है हमारा पार्किंसन डिजीज में। तो फ्रेंड्स क्या है ये, क्यों क्यों होता है ये, किसकी वजह से होता है, मैंने बात की यहाँ पे डोपामिन का लेवल क्या डिक्रीज होने लगता है और क्या होता है हमारे एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या इंबैलेंस हो जाता है दोनों हमारे न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में, जो जिसकी वजह से क्या होता है ये आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है पार्किंसन डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स अब पार्किंसन डिसऑर्डर हो गया है, अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पर सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर सिम्टम देखने को मिलते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होने लगता है, यहाँ पर ड्रॉइंग होने लगती है। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, DROING ड्रॉइंग का मतलब होने लगता है फ्रेंड्स, जो उसके मुंह से स्लाइवा होगा, राल होगी, वो टपकने लग जाएगी, ऐसे ऐसे बहने लग जाएगी, आपने देखा होगा कहीं पे। फिर उसमें क्या होता है, ट्रिमर होने लगता है फ्रेंड। ट्रिमर का मतलब क्या होता है, उसके हैंड शेक करने लगेंगे ऐसे, अगर कुछ इसने पकड़ा है तो गिरने लग जाएगा। तीसरा क्या होता है, रिजिडिटी होने लगती है, उसकी जो मसल्स होती है रिजिड होने लगती है, स्टिफनेस होने लगती है, रिजिड होने लगती है, टैडी हो जाती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या सकते हैं, डिस्काइनेशिया होने लगता है, जो उसकी मसल्स होती है उनका मूवमेंट खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, ब्रेडिकाइनेशिया होने लगता है। ब्रेडिकाइनेशिया देख लेते हैं, ब्रेडिकाइनेशिया होने लगते हैं, जो उसकी जो उसका जो मोशन होगा, जो मूवमेंट होगा, वो स्लो हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे चलने लगेगा। और फ्रेंड क्या होने लगता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसकी अगर हैंडराइटिंग, उसकी अगर वो लिखता है तो उसकी हैंडराइटिंग अफेक्ट होने लगेगी, उसकी हैंडराइटिंग क्या होने लगेगी, हैंडराइटिंग उसकी अफेक्ट होने लगेगी उसकी। तो फ्रेंड क्या है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी अफेक्ट होने लगेगी। क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी वो क्या होगी, वो लॉस होने लगेगी उसकी फ्रेंड्स। क्या उसकी स्पीच, उसकी मतलब बोलने की उसकी जो फ्लो होगा, स्पीच होगी, वो क्या श्रील होने लगेगी, लड़खड़ाने लगेगी, उसकी क्या वॉइस प्रॉब्लम होने लगेगी, उसको वॉइस एंड स्पीच उसकी अफेक्ट होने लगेगी। फिर उसमें क्या है फ्रेंड्स, का बैलेंस की दिक्कत होगी, उसको बैलेंस कर नहीं कर पाएगा, वो बैलेंस चल नहीं पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा। उसका मास्क क्या होगा, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएगा, वो लाइक अ मास्क हो जाएंगे, फेशियल एक्सप्रेशन लाइक अ मास्क, यानी क्या होगा, मास्क लाइक एक्सप्रेशन होने जाएंगे उसकी, क्या हो जाएंगे, मास्क लाइक एक्सप्रेशन हो जाएंगे। ये क्या है फ्रेंड, ये क्या है, इसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे किसमें, हमारे पार्किंसन डिजीज में ये हमारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया कौन कौन सिम्टम, ये क्या है, सब सिम्टम्स हैं जो हमारे क्या है, जिसमें हम पार्किंसन डिजीज में आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड ये सिम्टम्स देख करके आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि हाँ, उसको पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इनके बिहाफ में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये बात की हमने उसकी आइडियोलॉजी वगैरह के बारे में बात की, उसके सिम्टम्स के बारे में बात की। अब बात कर लेते हैं उसकी कुछ मेडिसिन के बारे में बात, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो दो ड्रग को क्लासिफाई किया गया है, एंटी पार्किंसन के दो ड्रग होते हैं, एंटी पार्किंसन में दो ड्रग को रखा गया है, डोपामिनर्जिक एंड नॉन डोपामिनर्जिक को रखा गया है। तो डोपामिनर्जिक में हमारे यहाँ पर ड्रग आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे डोपामिनर्जिक में ड्रग आती है, सबसे पहले आती है हमारी यहाँ पे लिवोडोपा आती है। जो लिवोडोपा होती है हमारी, इसमें कार्बिडोपा दी जाती है हमारी, क्या है, कार्बिडोपा के साथ दिया जाता है इसको, क्या है, कार्बिडोपा होती है एक हमारी, दूसरी होती है हमारी कार्बिडोपा होती है हमारी जोनेसिमड होती है यहाँ पर हमारी, और यहाँ पर हमारी एक होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें होता है माओ इनहिबिटर, माओ बी इनहिबिटर होता है फ्रेंड, यहाँ पे कॉम्ट इनहिबिटर होता है, यहाँ कॉम्ट इनहिबिटर होता है। ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये ड्रग है, ड्रग ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारी, पार्किंसन में दी जाती है। ऐसा मेन ड्रग है, इनको यूज किया जाता है, कार्बिडोपा, लिवोडोपा, माओ बी इनहिबिटर, यानी मोनो अमीनो ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर होता है ये। ये क्या होता है, ये कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसपीरेज होता है। तो फ्रेंड क्या होता है, ये इनहिबिटर होते हैं हमारे डिकार्बोजाइनेज के। तो फ्रेंड इनको इसलिए
इस कंडीशन में रखा गया है। तो फ्रेंड्स जो हमारी लियोडोपा होती है, जो लियोडोपा होती है क्या होती है, ये ब्रेन को ब्रेन जो हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है इसको क्रॉस नहीं कर पाती, इसलिए इसको कार्बिडोपा के साथ में दिया जाता है। कार्बिडोपा और लियोडोपा का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, क्यों? क्योंकि जो हमारी कार्बिडोपा होती है वो क्या है, वो क्या डीकार्बोजिलेज इनहिबिटर है। क्या है? डीकार्बोजिलेज इनहिबिटर है कि अगर हम डोपामीन को, अगर हम लियोडोपा को अकेले लेते हैं, सेपरेट लेते हैं, तो क्या है जो हमारा डीकार्बोजिलेज इनहिबिटर होगा वहां पे डीकार्बोजिलेज एंजाइम होगा वो इसको इनहिबिट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, जिसकी वजह से ये सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए इसको जो हम लियोडोपा देते हैं तो लियोडोपा को कार्बिडोपा के साथ कंबाइन करके दिया जाता है, ताकि ये क्या करे, ये इनहिबिट करती है जो हमारा एंजाइम होता है डीकार्बोजिलेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देती है और उसकी सफिशिएंट क्वांटिटी हमारे ब्रेन तक पहुंच पाती है लियोडोपा की, जो बाद में लियोडोपा से कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो डोपामीन का लेवल है वो बढ़ जाता है और उसके थोड़े से कुछ सिम्टम्स को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं माओबी के बारे में, बात करते हैं तो फ्रेंड जान लेते हैं माओबी। माओबी का काम क्या होता है, माओबी ये हमारा क्या होता है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है। ये बीटा, ये भी क्या है, एक एंजाइम होता है जो इनहिबिट कर देता है, जो क्या है, जो डिकम्पोज कर देता है कार्बिडोपा लियोडोपा को, तो उसको इनहिबिट कर देते हैं, तो इसलिए से इसकी सफिशिएंट क्वांटिटी वहां तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं कैटेकोलामाइन ओ मिथाइल ट्रांसफ्यूज, ये क्या, ये भी इनहिबिटर है, ये भी दिया जाता है हमारे डोपामिनर्जिक ड्रग में दिया जाता है इन कंडीशन ऑफ पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स हमने ये बात की यहाँ पर पार्किंसन डिसऑर्डर के बारे में बात की है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में बात की है। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपका फ्रेंड भी यहाँ से कुछ सीख सके, कुछ जान सके। तो फ्रेंड्स आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।